नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल सिस्टम के बारे में। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं डिफरेंशियल सिस्टम का, ये है महिंद्रा 265 DI पावर प्लस का। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है आज। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे इसको सेट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो केज आप देख रहे हैं, ये आप जो सामने दिख रहा है इसको बोल देंगे क्राउन व्हील, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम जो केज होता है डिफरेंशियल का, उसको लगाएंगे। डिफरेंशियल केज को यहाँ पे इसके ऊपर फिट कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंशियल केज में आप देखेंगे यहाँ पे बियरिंग लगी हुई है, और इसको जो डिफरेंशियल केज है इसको राइट साइड वाला बोलेंगे, यानी राइट साइड में ये लगता है। अब यहाँ पे जो सन गियर्स हैं और स्टार गियर हैं, उनको हम फिट करते जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो सन गियर्स होते हैं और चार स्टार गियर होते हैं। चार स्टार गियर के साथ में स्पाइडर शाफ्ट भी होती है यहाँ पे। सबसे पहले डिफरेंशियल हाउसिंग लगा, केज जिसको बोलते हैं, उसके बाद में ग्राउंड व्हील, फिर सन गियर्स, और अब चार स्टार गियर्स यहाँ पे फिट हो रहे हैं। चार स्टार गियर फिट हो गए हैं, अब एक सन गियर्स इस पर लगाएंगे हम और इसको मूव करके देख लेंगे। ये मूव हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे एक वॉशर लगता है, उसको फिट करेंगे, और उसके बाद में अब हम केज लगाएंगे, वो भी लेफ़्ट साइड वाला। ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंशियल केज इसको बोलते हैं, ये लेफ़्ट साइड वाला है। अभी तक जो हमने लगाया था वो राइट साइड वाला है, और अब ये लेफ़्ट साइड वाला यहाँ पे फिट कर देंगे हम। और निशान देख के, यहाँ पे एक निशान होता है, उसके साथ में हम इसको फिट कर देंगे। अभी आपको हम वो निशान दिखा रहे हैं, अगर निशान पे नहीं होगा तो फिट भी नहीं होगा। तो आप देख लीजिए निशान, पहले ये है निशान, मार्क लगा हुआ है, तो इसको देखेंगे हम मार्क को अभी। तो ये यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लॉक पत्ती लगाएंगे, यानी लॉक प्लेट जिसको बोलते हैं, जो डिफरेंशियल केस को लॉक करके रखता है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः पत्तियाँ हैं, उनको हम यहाँ पे फिट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल हाउसिंग पूरी तरीके से हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम इसको उतार लेंगे और यहाँ पे बियरिंग फिट करेंगे। ये जो बियरिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टेपर रोलर बियरिंग।
इसके केस के दोनों तरफ बेयरिंग पूरी तरीके से लग चुकी है। अब इस केस को पूरी तरीके से हम उठाएंगे और लेके जाएंगे रेयर हाउसिंग की तरफ। रेयर हाउसिंग में इसको अब हम फिट करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंशियल हाउसिंग लगा हुआ है पूरा कम्प्लीटली, यहाँ पे इसको फिट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये फिट होता है जो पिनियन शाफ्ट होता है, बुल पिनियन शाफ्ट, उसमें हम इसको फिट करते हैं जिससे ब्रेक सिस्टम भी लगा होता है। तो इस तरीके से हम इस डिफरेंशियल केज को लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले बुल पिनियन शाफ्ट से, यानी जो ब्रेक केज लगा हुआ है इसमें, उसको देख के हम उसको फिट करेंगे अपनी जगह पे, इसको सेटिंग बैठा के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं सब कुछ मिलेंगी आपको यहाँ पर ट्रैक्टर नगर चैनल पर। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।